नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। महाराष्ट्र की राजनीति में 27 नवंबर का दिन बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 27 नवंबर को शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टियों को बहुमत साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फ्लोर टेस्ट में कोई सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। पहले विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद शक्ति परीक्षण किया जाएगा। यानी कि अब बीजेपी को अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए फ्लोर पर कल ही बहुमत साबित करना होगा। हालांकि ये तो कभी भी हो सकता था, इसलिए पार्टियों ने अपनी तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस बहुमत साबित करने के लिए अपने विधायकों को बचाए बचाए घूम रही हैं। वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है, वो भी अपने विधायकों को साथ रखने की कोशिश में लगी हुई है। अलग अलग होटल्स में विधायकों की फौज बैठाई जा रही है, जिसे परेड नाम दिया गया है। इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा है। विधायकों को छिपाकर रखने की प्रक्रिया पर नकवी ने शायराना अंदाज में ये दिखाने की कोशिश की है कि किसी को नहीं पता कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। नकवी ने लिखा, न जाने कौन कहां कब किधर का हो जाए, उधर का दिखता रहे और इधर का हो जाए। मतलब उनका साफ था कि आपके साथ कौन है कौन नहीं, उसका पता तो उसी दिन चलेगा जब फ्लोर टेस्ट होगा। पता चले आप सोच रहे हो कि ये हमारी तरफ है और वो उस तरफ निकले। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर वार किया था, कहा था सत्यमेव जयते के लिए लड़ रहे हैं और सत्ता में जयते नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बीजेपी और अजीत पवार के कदम पर एनसीपी प्रमुख ने तंज कसा था और साथ ही विधायकों को भी साधने की कोशिश की थी। शरद पवार ने कहा था गलत तरीके से सरकार बनाई, कर्नाटक और मणिपुर में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया। ये अनैतिक तरीके से सरकार बनाने की प्रक्रिया देश में बीजेपी ने शुरू की, नए विधायकों के मन में संदेह पैदा करने का काम किया जा रहा है। फिर शरद पवार ने अपनी पार्टी की एकजुटता की जिम्मेदारी ली, कहा कि कोई भी पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, जो अवैध काम करेगा उसे सबक सिखाने का काम हम तीनों दल करेंगे। इसके जरिए शरद पवार ने उन विधायकों को साधा जिन्होंने बीजेपी को समर्थन देने में अजीत पवार का साथ दिया। शिवसेना के साथ से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करने वाले शरद पवार ने कहा कि अब तो हमारे साथ शिवसेना भी आ गई है और ये सब सबक सिखाने के लिए काफी है। अब इंतजार है तो बस कल शाम 5 बजे का, जब देखने को मिलेगा कि मुख्तार अब्बास नकवी के इस ट्वीट का मतलब क्या है। क्या सच में अंदरखाने पार्टी के विधायकों के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, या फिर बीजेपी की बहुमत साबित करने में मदद कर सकता है, या फिर विधायकों को शरद पवार की धमकी का असर ज्यादा देखने को मिलता है।